हो गया वो लेंस पे थोड़ा सा वो लग गया, खराब हो गया था। चल ठीक है, फिंगर चल चालू करते हैं। हे व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वाज सुशांत और निशान। नमस्ते, सस्त्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, डोंकी मूवी से डंकी बोलता है, कोई डोंकी बोलता है तो डोंकी, मेरे तरफ से डोंकी बोल रहा हूं मैं। डोंकी मूवी से एक गाना आया है, ओ माही, जिसका म्यूजिक ऑफ कोर्स प्रीतम का है और लिरिक्स ऋषभ कामिल की है, और लिरिक्स गाना हमारे अरिजीत भाई ने गाया है। जैसे मेरे को ये जो स्टार्टिंग का दिख रहा है, ऐसे मेरे को वही गाना याद आ रहा है, ओ तेरे खातिर तड़पे पहले से ही, क्या तुझे तड़पा रहा ओ ज़ालिमा, ऐसे आ रहा है। तो गाइज, म्यूजिक तो ऑफ कोर्स बढ़िया ही होता है, मजा ही आता है। तो अभी ओ माही सुनते हैं, कैसा है क्या है, वन टेक में जो बता पाएंगे बताएंगे। सीधा वीडियो पे आते हैं, आपका काम यही है कि नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन देते रहो, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, और अपना फेवरेट, आपका फेवरेट पार्ट जरूर बताना, जरूर बताना। और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ये जो वर्जन है अभी जो सुनने वाले हैं वो प्रोमो वर्जन है, फिल्म में थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है। ठीक है, ठीक है ना, दो अलग अलग वर्जन निकले, दो अलग अलग वर्जन निकले हुए है, तो समझ जाना। ठीक है ना, चलो ठीक है, आते हैं गाने पे। और पहले बोल देता हूँ कि अच्छा ही गाना है, पर ठीक है, चलो बिल्कुल। और सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चलो ठीक है। अरे भाई, आई लव यू। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, कहीं तेरी खामोशी में किया है। तेरी बाहों तलक ही है ये सफर मेरा। वाह वाह वाह। ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, मेरी वफा पे हक हुआ तेरा। ओ माही माही रे, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, तो मैं कयामत तक हुआ तेरा, तो कयामत तक हो गया मैं तेरा। तो मैं कयामत तक हुआ तेरा, कयामत तक हो गया मैं तेरा। वाह क्या बात है, टिपिकल टिपिकल बॉलीवुड म्यूजिक का स्वाद आ रहा है। नाइस स्नेहर, बहुत अच्छा स्नेहर है। अरे पर ये दिन में मशाल क्यों जला रहे? वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, जैसे ये वाले अरेंजमेंट होते हैं ना गाइस, इसमें जैसे तबला हो गया, ठीक है ना, तब जहां पे तबला ऐड है वहां पे ना ड्रम किट को, ड्रम किट, अच्छी ड्रम किट यूज करना बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल नहीं तो कोई भी किक, मैंने बहुत सारे गानों में आपको बोला है ये बात कि अगर किक वैसा नहीं रहा ना तो इसके तबले के डग्गे को खाता है। ठीक है, दिन दिन दाता दिन दिन के दिन को खाता है, तो दिन में खाता है वो दिन धन। हाँ दिन धन, समझ लो। तो ये बात मेरे को प्रीतम दा के अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी मैंने गाने सुना हूँ ये लोग बहुत अच्छा ड्रम किट यूज करते हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छे ऐसे अरेंजमेंट में, ऐसे गाने और ऐसे कंपोजिशन में ये वाला ऐसा किट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तब जाके गाने का स्वीटनेस बचा रहता है, कहीं भी मिसमैच नहीं हो रहा। नहीं तो मैंने बहुत बार गानों में बोला है कि बिल्कुल बिल्कुल, तबला अगर आप कव्वाली वर्जन बना रहे हो, ऐसा कुछ बना रहे हो, तो उसमें जो ड्रम किट का किक है वो प्रॉपरली यूज करो। जैसे कि एक दो गाने मैंने, अभी के नहीं, पुराने गाने जो अपने बी प्राग और जानी के थे, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम लोगों ने बोला कि यार ये सही यूज नहीं किया, मतलब के खाते। तो इसके लिए वो, अगर आप तबला यूज कर रहे हो, तबला ढोलक दो, अगर दोनों में से कुछ भी है ढोलक हो, तो आपको यू हैव टू पुट दैट परफेक्ट किक। अरे बाप रे, इंग्लिश, ओह इंग्लिश निकल गया भाई, थोड़ा सा सीख रहा हूं गाइस, थोड़ा सा। वो परफेक्ट किक और स्नेयर परफेक्ट रहना बहुत जरूरी। इसमें भी जो स्नेयर था
जो यूज किया है बहुत अच्छा है। और समझ उसके बाद आती है मिक्स। हाँ, आप जितने भी एलिमेंट सुन रहे हो, हाँ, इतने प्यारा मिक्स किया है ट्रैक, इतना प्यारा मिक्स किया है कि स्टार्टिंग में ही मजा आ गया। बिल्कुल। अभी अरिजीत भाई के बारे में क्या बोलूं, मैं लास्ट में बोलूंगा, ठीक है, बट वेरी वेल अरेंज एंड बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। बिल्कुल। बाकी शाहरुख भाई तो मजा ही दे रहे थे, बट एक चीज नहीं समझी कि ये दिन में भाई मशाल क्यों जला रहे, मेरे को ये नहीं समझ रहा, ये कुछ मूवी में कॉन्सेप्ट होगा, कुछ कॉन्सेप्ट होगा, देखना पड़ेगा वो। हाँ। तो ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा देखने में। चलो 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 आगे। देखो क्लियर आ रहा है, डक बातों को बहने दो, बाहों में रहने दो, है सुकून में। वाओ, क्या कंपोजिशन है। रस्ते वो बेगाने, झूठे वो अफसाने, तू न हो जिन में, हो थोड़ी उम्र है प्यार ज्यादा मेरा, कैसे पता ये सारा तेरा होगा, मैंने मुझे तुझको सौंपना, मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा, ओ माही माही, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, ओ माही ओ माही, ऐसे ही होता है जब बिना वीजे के जाते हो तो। पागल हो यार। बहुत प्यारा शूट किया यार। भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? रिवर्ब अब तक चल रहा है। रिवर्ब चल रहा है। बिल्कुल। क्या? यार एक बात बताओ, क्या अरिजीत भाई को ना सच में गाने को कैसा फील देने का है ना, बहुत अच्छे से पता है। वो ब्लेस दिए बस सच में यार। उसमें मतलब उसको भेज ही दिया है, मतलब सच तो गाने ही गा लाया लाइफ में। बिल्कुल। मतलब अभी मैं लास्ट वाला पार्ट जो है ना वो ऐसा मतलब मैं अनएक्सपेक्टेड था, और यही कर सकता है। बिल्कुल। सोनू निगम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता है। अरिजीत भाई कर सकते हैं। ऐसे कुछ कुछ सिंगर ही है जो लास्ट वाला पार्ट जो आया था ना ऐसा, वो अरे वो कुड़ी तू लगती है फराटा है मेरे दिल पे, कितना अच्छा वो वाला उसने गाया था क्या अपना, कौन सा ये वाला फराटा उसने गाया था ना, अरिजीत भाई ने गाया, अरिजीत भाई ने, अरिजीत भाई ने गाया ना, अरिजीत भाई ने गाया। अरे और वो मेरे जीवन की दशा, थोड़ा रस्तों का मजा, थोड़ी मंजिल की प्यास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास, समझ रहा है क्या? ऐसे टाइप अगर कोई मतलब कोई भी गाना दो आप अरिजीत भाई को, वो बराबर संभाल लेते आराम से, बोले मैं कर लूंगा टेंशन मत लो। तो अगर ये कंपोजिशन की बात करें तो बहुत बहुत प्यारा म्यूजिक जो अपने परमानेंट लोग है उन्होंने म्यूजिक अरेंज किया है, और बहुत अच्छा मुझे ये लगा इसमें। एक तो लिरिक्स बहुत अच्छी है, ठीक है ना, अरिजीत भाई ने बहुत ही प्यारा संभाला, ठीक है ना। बिल्कुल, वो ऑलवेज। और ऐसे ऐसे टाइप का कंपोजिशन, ऐसे टाइप का कंपोजिशन प्रीतम भाई को और उनके अरेंजर को बहुत अच्छे से पता है कि कैसा निभाना का है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छे से पता है इन लोगों को। बट इस बार जो म्यूजिक अरेंज एंड प्रोग्राम है प्रसाद एस एंड हिमांशु पारिख ने किया है, नहीं तो हर बार जो अरेंजमेंट है वो नावल सुकरू नावल फुकन भाई करते हैं। बराबर बराबर। तो बट ये ऐसा अरेंजमेंट ना कुछ अच्छा लगता है, और काफी अच्छा मिक्स भी किया यार गाना। बैकिंग वोकल्स भी बहुत प्यारे सुनाई दे रहे थे, और बिल्कुल छू रहे थे कान को, मजा आ रहा था, दिल को छू रहे थे।
वेरी नाइस यार, मतलब ऐसे जब अनिरुद्ध एंड देव, बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा था ना वो पीछे, क्या मस्त एकदम हल्के से चल रहा था, बहुत प्यारा ऐसा, लास्ट में तो ऐसा रिवर्ब छोड़ दिया लड़ा, पूरा दे चल ही रहा था। और शूट डायरेक्शन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा, ऑब्वियस वो वाला, इसमें तो थोड़ा इसमें मूवी समझ में आ रहा है, गानों में ही समझ में आ रहा है कि मूवी क्या है करके, समझ रहे। और शाहरुख भाई सच में यार, कोई भी ये दे दो ये बराबर संभालते हैं, बिल्कुल एकदम, कोई भी सिचुएशन दे दो। और इसमें जो फ्लूट थी वो नवीन कुमार ने बजाई है, तबला इश्तियाक खान और मुश्ताक खान ने बजाया है, बहुत बढ़िया। इंडियन रिदम अरेंज इश्तियाक खान जी ने किया है, बहुत बढ़िया। गिटार जो है तुषार जे ने बजाया है, बिल्कुल वेरी नाइस। नवीन कुमार जी ने बनाया है ना, बजाया तुषार जी ने गिटार, वाओ बहुत बढ़िया, ऐसा ओरिजिनलिटी रही ना, बहुत मजा आता। टेक्निकली मैं घुस गया था, गाने में घुस गया था, बिल्कुल बिल्कुल, वाओ यार बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, मजा आ गया। ऐसे ही नए नए गाने अच्छे अच्छे आते रहे तो क्या, रिव्यू करने को मजा आता, हमको सुनने को भी मजा आता, क्योंकि कान हमारे सुकून मिलते फिर हमारे कान को, नहीं तो फिर तो ऐसा वैसा सुनते ही रहते, आते ही रहता, ठीक है। बट अगर हमसे कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो माफ कर देना, बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय भारत पे साउंड।